5 अगस्त शनिवार को भाईंदर क्षेत्रीय शिक्षण मंडल संचालित भाईंदर सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर विधायक श्रीकांत भारती साथ ही साथ नोबेल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के विजय पारिक भी उपस्थित हुए थे। विधायक श्रीकांत भारती के हाथों कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन हुआ। कुल 72 कंप्यूटर की शुरुआत की गई। नोबेल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के विजय पारिक ने 10 लाख रुपये का अनुदान भाईंदर सेकेंडरी स्कूल को दिया। भाईंदर पश्चिम के सेकेंडरी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस पूरे साहित्य उपलब्ध कराने में अहम भूमिका अजीत पाटिल की रही। इस कार्यक्रम के मौके पर विधायक श्रीकांत भारती, नोबेल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी विजय पारिक, पूर्व नगर सेवक अजीत पाटिल, पूर्व नगर सेवक हेमंत म्हात्रे, रवि व्यास, प्रकाश दुबोले, भगवती शर्मा, रमेश गायकवाड़, एडवोकेट तरुण शर्मा आदि लोग उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम के बारे में हमने स्कूल के ट्रस्टी व पूर्व नगर सेवक अजीत पाटिल व विधायक श्रीकांत भारती से बातचीत की। आइए जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। का जो शिक्षण है ये बायोलॉजिकल साइंस भी कहता है कि ये शास्त्र शुद्ध शिक्षण है, और इस चीज़ को समझते हुए माननीय केंद्र सरकार के माध्यम से जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई है उसके अंदर में वैल्यू एजुकेशन और एजुकेशन थ्रू मदर टंग, इसकी बहुत बड़ा प्रावधान किया है। और हम देखेंगे कि आने वाले 10 साल के बाद सारे देश के अंदर में लोग मातृभाषा के अंदर के शिक्षण लेंगे। नहीं, ऐसा है कि शिक्षण क्षेत्र ही ऐसा है कि वो केवल सरकार और महानगर पालिका से नहीं चल सकता, उसमें समाज में सामने आना चाहिए। ये भी संगणक कक्ष क्या हुआ कि नोबेल फाउंडेशन जैसी एक एनजीओ सामने आई, तो शिक्षण एक क्षेत्र ही ऐसा है कि ये केवल सरकार और निम्न सरकार संस्था से नहीं चल सकती, समाज ने इसके सामने आना चाहिए। आज संगणक कक्षाचं उद्घाटन माननीय श्रीकांत भारती साहेब आमदार यांच्या हस्ते झालेलं आहे। शहराची गरज, शाळेतील विद्यार्थ्यांना संगणक कक्ष उच्च दर्जाचा मिळावा या दृष्टीने आम्ही संगणक कक्ष उभारलेला आहे। त्या कामासाठी मोठ्या संख्येने समारंभाला पालक लोक उपस्थित होते आणि या संगणक कक्षासाठी विजयभाई पारेख यांनी 10 लाखाचं अनुदान दिलेलं आहे। त्यांनी जे अनुदान दिलं त्यामुळे संगणक कक्ष वेळेवर करणं आम्हाला शक्य झाला। विजयभाई पारेख यांना मी धन्यवाद देतो। आणि आजच्या कार्यक्रमासाठी पालक, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते, विद्यार्थी देखील उपस्थित होते। संगणक कक्षामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांना जास्त लाभ होणार आहे, त्यांना उच्च दर्जा शिक्षण मिळणार आहे आणि जास्तीत जास्त उच्च दर्जा शिक्षण देण्याचा आमचा संस्थेचा प्रयत्न राहील। एकूण 72 संगणक आहे। विद्यार्थी संख्येमुळे संगणक कक्ष अपुरा पडत होता, विद्यार्थ्यांची वाढती हे संख्या विचारात घेता आम्ही मोठ्या विद्यार्थी राहू शकतील असे संगणक कक्ष मानले आहे। सर्व विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी शिक्षण घेणे शक्य होईल। संगणक कक्षाचं सिलेबस आहे ते संगणक आम्ही विद्यार्थ्यांना मोफत वाटलेलं आहे आणि त्यामुळे त्या सिलेबसनुसार आम्ही अभ्यासक्रम शिकवणार संगणक कक्षाचा, आणि जास्तीत जास्त मुलांना संगणकाद्वारे शिक्षण मिळेल असा प्रयत्न संस्थेचा राहील। आणि सगळं पुस्तकं विद्यार्थ्यांना आम्ही संस्थेतर्फे मोफत वाटप केलेलं आहे।